हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि अरुणाई रोड पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका ट्रायल लेकर इसे जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। पिहोवा के सरकारी अस्पताल की अरुणाई रोड पर बन रही नई बिल्डिंग में 40 लाख रुपए से अधिक लागत से बहुत जल्द नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। 45 सिलेंडर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट से 100 बेडेड अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से दी जा सकेगी। नई बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग जल्द से जल्द बिल्कुल तैयार हालत में चाहिए ताकि यहां मरीजों का इलाज शुरू किया जा सके। खेल मंत्री ने बताया कि प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में कंपनी इसका ट्रायल लेकर इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर देगी, जिसके बाद इसे विधिवत रूप से जनसेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। इसी को लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह ने राय रोड पर बन रहे अस्पताल की बिल्डिंग का दौरा कर जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट लगा रही कंपनी के अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद खेल मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ही ये प्लांट कंपनी स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर देगी, जिसके बाद इसे विधिवत रूप से जनसेवा के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश कंपनी को दिए गए हैं। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि कोरियर के जरिए कुछ पार्ट पहुंचते ही इसे सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल की नई बिल्डिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही समय में पीडब्ल्यूडी इस बिल्डिंग को स्वास्थ्य जन विभाग को हवाले कर देगा, जिसके बाद यहां स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में प्रयोग होने वाले उपकरण स्थापित करके काम शुरू कर देगा। खेल मंत्री ने कहा कि शहर में बढ़ रहे डेंगू मलेरिया के मामलों को देखते हुए उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि टीमें गठित करके फॉगिंग का कार्य तेज गति से पूरा किया जाए और अस्पताल में मरीजों के इलाज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इस काम के लिए SDM सोनूराम, नगर पालिका सचिव अंकुश पराशर और SMO डॉक्टर ललित कलसन की ड्यूटी लगाई गई है। इससे पूर्व खेल मंत्री ने गांव अरनैचा का दौरा किया और वहां कई दिन पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवकों बुधराज और रतन के परिवार से मुलाकात की। खेल मंत्री ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दोनों मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनकी ओर से दी जाएगी। ग्रामीणों की मांग पर खेल मंत्री ने गांव के बीचों बीच गुजर रही सड़क पर ब्रेकर बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इस मौके पर DSP गुरमेल सिंह, SHO सिटी थाना जगदीश टामक, सोमनाथ अरनेचा, महिंदर करमबीर जखवाला, विनीत गोयल, कृष्ण मोर नीमवाला, मेला गुर्जर, गुरनाम पांडे सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमारे नौजवान साथी थे जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो मैं अपनी तरफ से, अपने निजी कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए उनको मैंने अनाउंस किया, उनको दूंगा मैं। और देखिए, भरपाई तो हम नहीं कर सकते, जो इंसान चला गया तो हम दुआई करते हैं, क्योंकि जो फैमिली है वो हैप्पीली खुशी आगे अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन अपनी तरफ से जो भी और भी हो सकेगा वो मैं और मेरा प्रशासन और हमारे जो साथी हैं वो उनकी मदद करेंगे। और स्पीड ब्रेकर, क्योंकि जब से ये सड़क नई बनी है, चौड़ी हुई है, और तब से काफ़ी हैवी लोडेड और हैवी ट्रक्स और साथ ही में जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी स्पीड से चलती हैं, उनको स्पीड रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर की इन्होंने मांग की है। तो इसके लिए भी मैं इसके ऊपर स्पीड ब्रेकर एंट्री पे और एग्जिट दोनों तरफ से, और प्लस स्कूल है एक वहाँ पर, उसके ऊपर भी हम ये लगवाएंगे। प्लांट रेडी है बिल्कुल, एक वॉल लगना है, वो सारा कुछ रेडी है, तो मुझे लगता है कि एक आधे दिन में वो भी लग जाएगा। और बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है जिसको हम छोटी सी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत जल्दी कम्प्लीट करके पिहोवा के जो मेरे निवासी हैं, जो मेरे साथी हैं, उनको एक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सौगात होगी। कई दिनों से प्रशासन के साथ, SDM के साथ और हमारे म्यूनसिपल सेक्रेटरी के साथ लाइनअप चल रहा है कि फॉगिंग करवा रहे हैं और ज़्यादा करवा देंगे, क्योंकि डेंगू केस काफ़ी बढ़ गए हैं और ये मौसम ऐसा चल रहा है जिससे कि काफ़ी फैलने के चांस और बढ़ने हैं। तो शाम को, इवनिंग के टाइम जब मच्छर होते हैं और उस समय का फॉगिंग हर एरिया में हो, ये मैंने आदेश दिए। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।